उत्तर प्रदेश की राजनीति में मोदी और योगी से अलग हटकर, अखिलेश यादव से अलग हटकर, प्रियंका गांधी और मायावती से अलग हटकर एक और राजनेता जो अपनी किस्मत आजमाने में जुटे हुए हैं वो है असदुद्दीन ओवैसी। और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी सी वोटर के सर्वे में सवाल हमने लोगों के बीच रखा। सी वोटर के सर्वे में सवाल यह पूछा गया कि साहब ओवैसी जो पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, ये विस्तार के लिए संघर्ष जो कर रहे हैं वो पार्टी के लिए या फिर मुसलमानों की भलाई के लिए? तो ओवैसी पार्टी विस्तार के लिए संघर्ष कर रहे हैं या फिर मुसलमानों की भलाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं? और ये देखिए जवाब, 75% लोगों का कह रहा है कि ओवैसी अपनी पार्टी के विस्तार के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना कि मुसलमानों की भलाई के लिए। महज 25% ही ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि ओवैसी मुसलमानों की भलाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन 75% जो ओवैसी की दलील के साथ सहमति नहीं रखते, क्योंकि ओवैसी लगातार ये कहते रहे कि वो उत्तर प्रदेश में आएंगे तो मुसलमानों को उनका राजनीतिक हक दिलाने के लिए, इससे 75% लोग इस सर्वे में सहमति नहीं रख रहे हैं। मनोज्ञा, आपके साथ जो लोग हैं जरा उनका मन टटोलिए, वो ओवैसी फैक्टर को यूपी की चुनावी राजनीति में किस तरीके से देख रहे हैं? मनोज्ञा, बिल्कुल, लोगों से पूछते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी फैक्टर कितना है। लोग ये कह रहे हैं कि वो 75% अपनी पार्टी के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं, बाकी कह रहे हैं मुसलमानों के भले के लिए। हर मुस्लिम को अपनी पार्टी को वोट देना चाहिए। अगर ओवैसी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है तो उनको हर मुस्लिम का एक कर्तव्य बनता है कि ओवैसी पार्टी को अपना वोट मत करें। बाकी को क्यों ना दें? ओवैसी की कोई अहमियत उनकी नहीं है। अब की मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है। मैडम, उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान है ओवैसी जी जो है बिरयानी बेचे, मुसलमानों को ना बेचे। सरकार आ रही है, किस सपा की सरकार आ रही है? मैडम, मैं मुझे एक सवाल है, ओवैसी फैक्टर पर क्या कहना है आपका? ओवैसी अपनी पार्टी की एक्सपेंशन पूरी तरह जीरो, सिर्फ और सिर्फ अखिलेश 22 में 22 सिकिल, इसके अलावा कोई नहीं। ओवैसी जी 2014 के पहले ओवैसी के खिलाफ तमाम मुकदमे यूपीए सरकार में हुए, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? ओवैसी ही मुसलमानों की बात कर रहा है, ओवैसी ही मुसलमानों की बात कर रहा है। इस बार मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को चुनेगा। ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, पूरी ओवैसी संविधान लोकसभा में फाड़ता है उसको ये बीजेपी वाली कोई एफआईआर नहीं कर रही। अकबरुद्दीन ओवैसी जिस लक्ष्य को साधने निकले हैं उत्तर मुसलमानों को एक करने निकले हैं, और मुसलमान फैक्टर अब की अकबरुद्दीन ओवैसी को पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। विजय रथ यात्रा जो निकाले हुए देखिए जनता का रिएक्शन, और जब आप जनता की बात करते हैं तो जनता एक मैं लौटूंगी मनोज्ञा आपके साथ। मैं समझ पा रही हूँ कि वहां पर किस तरीके का है। इस वक्त आप देख रहे हैं लोगों का जमावड़ा मनोज्ञा के आसपास जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। संजय त्रिपाठी के पास आपको लेकर चलते हैं। संजय, वाराणसी के लोग ओवैसी फैक्टर को इस यूपी चुनाव में किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लगता है, ओवैसी जो है उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं तो अपनी पार्टी का विस्तार करने आए या वास्तव में मुस्लिमों की भलाई करने आए? देखिए, सही मायने में अगर कहें तो ओवैसी जी के चर्चा करना उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत वाजिब तो नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की मुख्य धुरी है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश का अकलियत वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इनका ये कहना है समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, ओवैसी भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी का ओवैसी बी टीम है। और तो ये ओवैसी फैक्टर पर उत्तर प्रदेश की जनता की राय आप सुन रहे थे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी मूड को समझने के लिए। एक और सवाल और उसका आंकड़ा आपको दिखाती हूँ। सवाल कोरोना के खतरे को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई बढ़ते कोरोना के खतरे की वजह से क्या नेताओं की रैली पर रोक लगनी चाहिए? ओमिक्रॉन का खतरा तो बढ़ा होता जा रहा है ना, तो ऐसे में होना क्या चाहिए? ये देखिए आप, 78% लोगों की राय में हाँ, नेताओं की रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। 78% लोगों को लग रहा है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए नेताओं की रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। 22% हालांकि इससे सहमत नहीं है। ABP News, आपको रखे आगे।